प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा चौथी के विषय गणित के अध्याय 13 के अंतर्गत चीज़ें कैसे दिखती हैं उस पर अपनी हम समझ बनाएंगे। यह सीखने के प्रतिफल 411 सरल वस्तुओं के शीर्ष दृश्य, सम्मुख दृश्य, साइड दृश्य आदि का चित्रांकन कैसे करते हैं इस पर हम अपनी समझ बनाएंगे। चलिए तो आगे हम देखते हैं। इन चित्रों को आप ध्यान से देखें। यहाँ पर आपको बहुत सारे चित्र दिखाई पड़ रहे हैं जिसमें कुछ टेबल हैं, कप हैं, चौक के कुछ डिब्बे हैं, ग्लास हैं, जिसको आप लोग देख पा रहे हैं कि अलग अलग प्रकार से यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, जिसको आप लोग भली भांति यहाँ पर देख सकते हैं। अलग अलग सामने से, बगल से, ऊपर से ये कैसे दिखाई पड़ता है ये आपको यहाँ पर दिखाई देता है। आओ बच्चों, अब हम कुछ वस्तुओं को ऊपर से कैसे दिखता है, टॉप व्यू से किस प्रकार दिखाई देता है उसको हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। आपके सामने यहाँ पर एक कलर का शीशी है जिसको आप ऊपर से देख पा रहे हैं कि किस प्रकार दिखाई देता है। हमारे पास कुछ और ऑब्जेक्ट है जैसे कि ये डिस्पोजल गिलास है, इसको भी आप देख पा रहे हैं कि ऊपर से किस प्रकार दिखाई पड़ रहा है। ये ताला आप देख पा रहे हैं जिसको आप लोग देख रहे हैं ऊपर से किस प्रकार दिख रहा है। ये माचिस की डिबिया है जिसको आप लोग देख पा रहे हैं कि ये ऊपर से टॉप व्यू से किस प्रकार दिखाई पड़ रहा है। टॉप व्यू में हम एक बॉल यहाँ पर देख रहे हैं जो कि ऊपर से इस प्रकार दिखाई पड़ता है। अब हम वस्तुओं को बगल से किस प्रकार दिखाई देता है, साइड से किस प्रकार दिखाई देता है, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये माचिस की डिबिया को आप देख पा रहे हैं कि बगल से किस प्रकार दिख रहा है। ये डिस्पोजल गिलास को हम लोग देख पा रहे हैं कि ये साइड से किस प्रकार दिखाई पड़ रहा है। उसी प्रकार हमारे पास एक ताला है, ताला को जिसको हम लोग देखे थे ये साइड से इस प्रकार दिखाई पड़ेगा। ये कलर का जो शीशी है इसको हम लोग देख पा रहे हैं कि बगल से इस प्रकार दिखाई पड़ रहा है। हाँ, तो अभी हम लोग देखें कि वस्तुएं किस प्रकार बगल से दिखाई पड़ती है। अब हम उनको सामने से देखेंगे तो सामने से ताला को देख पा रहे हैं कि सामने से इस प्रकार दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार ये माचिस की डिबिया है, सामने से इस प्रकार दिखाई पड़ेगा। और कुछ वस्तु ऐसे होती हैं जिसको हम लोग बगल से और सामने से देखेंगे तो वो उसी प्रकार दिखाई पड़ता है जैसे बगल में दिखाई पड़ता है। जैसे ये शीशी है, रंग की कलर की शीशी है, उसी प्रकार ये डिस्पोजल गिलास है जिसको हम लोग देखे थे साइड से, वो भी उसी प्रकार दिखाई पड़ेगा। ये बॉल है, बॉल को हम देख पा रहे हैं ये बगल से और सामने से चाहे ऊपर से सभी तरफ से ये एक जैसे ही दिखाई पड़ता है। बच्चों, अभी हम लोगों ने वस्तुओं को बगल में किस प्रकार देखते हैं, सामने से किस प्रकार देखते हैं और ऊपर से किस प्रकार दिखाई पड़ता है वस्तु, उसको हम लोग देखें। अभी कुछ वस्तुओं के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। क्या आप लोगों को पता है कि कुछ वस्तुएं हैं जो सभी तरफ से एक जैसे दिखाई पड़ता है? यदि आप लोगों को मालूम होगा तो आप लोग बता सकते हैं, नहीं तो हम लोग यहाँ पर कुछ वस्तुएं हमारे पास है जिसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर जैसे एक बॉल है छोटा सा, जिसको हम लोग चाहे ऊपर से देखें, चाहे साइड से देखे, चाहे सामने से देखे, ये सभी तरफ से एक प्रकार दिखाई पड़ता है। वैसे एक वर्ग का एक टुकड़ा है जिसको हम देख पा रहे हैं कि ये ऊपर से देखे, चाहे साइड से देखे, चाहे सामने से देखे, ये भी सभी तरफ से एक जैसा ही दिखाई पड़ता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ईंट का चित्र है, इसमें आपको सही पर निशान लगाना है। जैसे आप देख रहे हैं ईंट को ऊपर से देखने पर कैसे दिखेगी, तो ईंट के तीन चित्र यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आप यहाँ पर बताएंगे कि कौन सा जो ईंट का चित्र है जो कि ऊपर से दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना? आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कुर्सी का चित्र है, कुर्सी को सामने से देखने पर वो कैसे दिखेगी उसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। आगे के चित्र में देखेंगे हम, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जूते का चित्र है। तीन अलग अलग प्रकार से यहाँ पर जूते का चित्र रखा गया है जिसपे आपको बताना है कि जूते को बगल से देखने पर वो किस प्रकार दिखाई पड़ेगी। अभी आप लोगों ने गतिविधि के माध्यम से वस्तुएं जो है अलग अलग सामने से, बगल से और ऊपर से किस प्रकार दिखाई पड़ता है इसके बारे में आप लोगों ने अपनी समझ बनाई है। अब आप लोग अपने घर में भी इस प्रकार की गतिविधि करेंगे जिसके लिए आप यहाँ पर कुछ, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ वस्तुएं हैं जैसे चप्पल, डस्टर, थाली, कंपास, रबर, कटोरा आदि वस्तुएं आप इकट्ठा कर लीजिए और उसको बारी बारी से ज़मीन पर रख कर सामने से, ऊपर से और बगल से देखो और चित्र को
दिए गए ये खाने में बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं सामने से देखने पर वस्तुएं कैसी दिखी उसका एक चित्र यहाँ पर बनाना है। आगे के उसमें बॉक्स में आप लोग ऊपर से देखने पर वस्तुएं कैसी दिखती है उसका चित्र यहाँ पर आप बनाएंगे, और बगल से देखने पर वस्तु कैसी दिखती है उसका चित्र यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि वस्तुएं बगल से, सामने से और ऊपर से किस प्रकार दिखाई पड़ता है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि कोई वस्तु जो है वो सभी तरफ से एक जैसे दिखाई पड़ती है? जिस हम लोगों ने गतिविधि के माध्यम से भी जानने की कोशिश किया कि कुछ वस्तुएं होती है जो सभी तरफ से, सामने से चाहे बगल से हो चाहे ऊपर से, एक प्रकार या एक जैसी दिखाई पड़ती है। उसको आपको यहाँ पर चित्र यहाँ पर बनाने की कोशिश करना है। जैसे यहाँ लिखा है, क्या ऐसी कोई वस्तु है जो सभी तरफ से एक जैसे दिखाई पड़ती है, तो उसका चित्र यहाँ पर आपको बनाना। तो बच्चों, आज हमने वस्तुएं कैसे दिखती है इस पर चर्चा किए। गतिविधि के माध्यम से भी आप यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में समझे। आशा करता हूँ कि आप इस विषय के बारे में अपनी समझ बनाए होंगे। अब हम अगली क्लास में मिलते हैं।